और अगर हम कह दें कि खेलना चाहिए, तो जो आप कह रहे हैं कि आजकल, ये सही बात है, अब ये मॉडर्न इन्वेंशन है, इसको हम रोक नहीं पाएंगे। लेकिन उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, अभी कल ही मैं पढ़ रहा था, बिल गेट्स ने अपनी संतान के यहाँ मोबाइल दिया ही नहीं है। एम आई राइट? आई डोंट नो इफ यू रेड इट, आई रेड समवेयर जस्ट यस्टरडे, ही हैज स्टॉप्ड, दे डोंट हैव मोबाइल्स, दे कांट सी टेलीविजन, दे हैव टू स्टडी, दे हैव टू रेफर टू बुक्स, दे कांट गूगल एंड स्टफ लाइक दैट। सो देर इज दिस साइड ऑफ द टेम्परमेंट ऑल्सो, बट येस यू आर राइट, आजकल तो घर में हम लोग 7-8 प्राणी एक साथ परिवार के बैठे हैं और बात कर रहे हैं एक दूसरे से, लेकिन मोबाइल से बात कर रहे हैं, कोई एक दूसरे से बात नहीं करता, सब अपने अपने उसमें लगे रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो आजकल की पीढ़ी है, उनका दिमाग जो है, हमारा तो दिमाग तो थोड़ा कन्फ्यूज्ड है, लेकिन उनका दिमाग जो है कई दिशाओं में बिखरा हुआ है। दे कैन ऑपरेट देयर मोबाइल, दे कैन बी वॉचिंग टेलीविजन, दे कैन बी SMSing their friend, they can be WhatsApping something all at once, and they'll be all in time and correct. So the attention span, even though it is, you know, is a little small, they are still able to maintain that. It's quite remarkable. I see that happening. वो टीवी में चल रहा है, उनको हाँ वो आने वाला, फिर SMS भी कर दिया, WhatsApp के साथ बात भी हो रही है, इधर खाना पीना हो रहा है वो भी चल रहा है, सब एक साथ काम कर रहे हैं। It's got something to do with their genes. So I guess we'll have to live with it, ma'am, you know. कि मैं इधर बैठूं? हमारी नौकरी खतरे में है मैडम, ऐसा मत कीजिए, हम हार जाएंगे, 1-2-3 प्रश्न से ज़्यादा हम बोल नहीं सकते उसका उत्तर। लेकिन कई बार ऐसा मजाकिया तौर पे कभी कभी हुआ है, शाहरुख के साथ हुआ था एक बार, अभिषेक के साथ हुआ है, और हाँ ऐसा हुआ है। हाँ अभी ऐसा अवसर आया नहीं है, अच्छा सुझाव दिया आपने, आज ही जा करके मैं शुरू करता हूँ। हाँ नहीं नहीं उनका क्या है, उनके स्कूल वगैरह में ऑलरेडी चलता रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन KBC है, ये थोड़ा बहुत ज्ञान है उनको कि एक KBC कार्यक्रम आता है उसमें हम देखते हैं, वो जो धुन चलती है ना वो ज़्यादा पसंद है उनको। पर हाँ ये अच्छा सुझाव दिया आपने। सर आई एम स्मिता पांडे फ्रॉम हिंदुस्तान टाइम्स। Sir, I want to ask that this time there's one extra lifeline of expert calling. Yes. So is this pre-decided or people can choose themselves whom they want to that take you'll help? That you'll have to answer. I can't. It's not an extra lifeline. It's the fourth lifeline. It's one of four lifelines. Okay, okay. So last time also we had four. For some years we've had four lifelines. It's just a variation. Okay. Is video call an expert? So on a particular episode there is a given expert. And that is, there is an invitee on behalf of the program that we have that person, and the person can call them. And our experts are normally very well-informed people from different walks of life, as you will see. And by and large, they're able to help people. And if they don't, they can always advise them that, look, I don't know the answer, you can quit or you can do something. They give generally good counsel and advice. And Danish sir and Siddharth ji, aap se mera sawal hai. Jaise aapne bataya ki last year, आप लोगों ने ये फैसला किया था कि आप वीकेंड पे फिल्म स्टार्स के बजाय जो रियल हीरोज़ हैं उनको लाएंगे, और उसको दर्शकों से भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। ये शो में भी आप लोग कंटेंट पे भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और आपके साथ मिस्टर बच्चन जैसे बड़े मतलब लाइक सुपरस्टार भी हैं। मैं जानना चाह रही हूँ कि जब भी आप लोग ये शो बनाते हैं या तय करते हैं, आपके हिसाब से कॉन्टेंट किंग है या स्टार पावर? मेरे लिए कॉन्टेंट, ये कुछ भी जवाब दें जी। दानिश जी, मुझे लगता है कि कंटेंट, व्हाट इज़ कंटेंट? फॉर्मेट है, जो राइटर हैं RD वो हैं, जो लोग यहाँ पे आके चूज़ करते हैं कंटेस्टेंट वो कंटेंट है, जो होस्ट हैं वो भी कंटेंट है। सो कंटेंट इज़ ऑल इनकम्पेसिंग, और मुझे लगता है सही मिश्रण में ही सही शो बनती है। देखिए पहले बार दुनिया में शायद a superstar has hosted a show like this. जब हमने शुरू किया था 18 साल पहले,
मैं क्विज प्रोग्राम तब भी करता था, अन्य अन्य प्रोग्राम करते थे, क्विज प्रोग्राम भी किया करता था, पर लोग ने कहा क्विज प्रोग्राम हिंदी में कोई मतलब ही नहीं है, ये दिमाग का प्रोग्राम कौन देखेगा, वो तो सोप देखने चाहते हैं, या तो यू नो सॉर्ट ऑफ चीप एंड चीयरफुल गेम शोज, कोई गिर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कुछ यू नो सॉर्ट ऑफ उस तरह से क्विज कैसे चलेगा, पर चला तो सही. एंड आई थिंक वन ऑफ द की रीजंस इज व्हाट आई सेड वाज आवर ब्रह्मास्त्र. आई थिंक दैट मेड अ डिफरेंस, द एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ हु दैट पर्सन वाज, व्हाट ही स्टूड फॉर, द फैंटास्टिक फिट विद द फॉर्मेट in terms of its seriousness, its gravitas. Sir, हमको जाने को बोल दीजिए, हम चले जाते हैं, ऐसे क्यों आप हमारे को थोड़ा सा समझा रहे हैं, हमको अजीब लग रहा है हमारे तरफ से. It's not because of that. I'm telling you, it's the content, it's the format of the show, it's how those questions are put, how they are presented, how they are given a time, how their achievement is recorded step by step. This is, you know, the work of a genius, whoever designed this. Then he said, "Dekhi, we are not here to compare. I'm just trying to tell you that the format is the most brilliant part of this show. Then the contestants and the content that is put forward, they are the ones that make the show." But the spontaneous reaction of Mr. Bachchan also matters a lot. No, that's coming from the... It is indivisible. Do you agree to it, sir? Of course. No, I don't agree, ma'am. I just feel that whatever... whatever comes to me from the contestant, from his life, and how they react and what they talk to me, just makes it very easy for me to conduct the show. It's their input. You know, we've had, with all due respect, at times we've had contestants who have not been able to provide that. And those episodes have unfortunately not gone down well. But it is the contestant, it is the format of the show that is the most important factor. Yeah, it all depends on their own history. You know, like I said, ये महिला आई बेचारी बीड गांव से है, छोटी सी जगह जहाँ पर कोई जाता ही नहीं है, उसको अपने आप को शिक्षित करना. She wants to educate herself. Her father is एक रेड़ी चला रहा है. रेड़ी के ऊपर क्या रखा है उसने, छोटे छोटे पौधे रखे हैं, वो पौधे बेचता है, और जो 10-20 रुपया जो कमाता है उससे उससे अपनी बेटी को पढ़ा रहा है. वो आज PhD करने की सोच रही है, यहाँ बैठी है सामने, और जब उसको पैसा नहीं मिला आगे, वो बस कंडक्टर बन गई. अभी मैं खुलासा कर रहा हूँ, यहीं पर पता नहीं अलाउड है कि नहीं, बस कंडक्टर बन गई. वो एक छोटी सी महिला बस कंडक्टर, छेड़छानी उसके साथ होती, वो किस तरह वो अपने आप को कंडक्ट करती, ये सब आप देखिएगा. बट इट्स रियली वेरी वैल्यूबल टू हियर देयर स्टोरीज. जब इस तरह की कहानी हम सुनेंगे तो नेचुरली हमारे अंदर से बहुत सारी भावनाएं बाहर आती हैं. एंड इफ दैट इज मेकिंग द शो, देन यू नो आई एम जस्ट थैंकिंग द कंटेस्टेंट. सर, इन सोशल हीरोज से मिलने के बाद कोई ऐसा सोशल कॉज आपका मतलब करने का, कि जैसे आपने वो उनका किस्सा सुनाया जो गरीब बच्चों को खाने का वो जी, या, तो कुछ कोई ऐसा कॉज है जो आपको करने का दिल करता है कि मुझे इस दिशा में जो आपको परेशान करती हो कोई चीज़, ये दिशा में मैं कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं खुद करना चाहता हूँ? मैं बहुत से कैंपेन्स के साथ जुड़ा हुआ हूँ, बहुत से सरकार की तरफ से हैं, स्वच्छ भारत है, बेटी बचाओ है, और बहुत से मेडिकल कैंपेन्स में जुड़ा हुआ हूँ जो भी सरकार की तरफ से इनिशिएट हुए हैं. TB है, हेपेटाइटिस बी है, और पोलियो. पोलियो में हमने 8 साल काम किया, और सौभाग्य से अब भारत जो है वो पोलियो फ्री हो गया है. ट्यूबरकुलोसिस और हेपेटाइटिस बी के साथ अभी मैं हाल ही में 1 साल भर पहले जुड़ा हूँ. कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं, इसलिए मैं जुड़ा क्योंकि मैं स्वयं TB का मरीज रहा हूँ और स्वयं हेपेटाइटिस बी से अभी जूझ रहा हूँ. इन 1982 जब मेरा कुली का एक्सीडेंट हुआ था, उस समय मुझे खून की ज़रूरत थी, और देवर अबाउट 200 डोनर्स एंड वन ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली वॉज कैरिंग द हेपेटाइटिस बी वायरस विच कुड नॉट बी डिटेक्टेड एट दैट टाइम, एंड दैट वेंट इनटू माय सिस्टम इन 1982. एंड इन 2006 or 2007 इट वॉज सडनली डिस्कवर्ड दैट इट्स ईटन 75% ऑफ माई लिवर.
So I'm actually surviving on 25% liver. So I was able to talk about hepatitis B when I joined the campaign. One of the reasons why I joined the campaign was I'm going to be able to give a live example. The example is not to have sympathy for me or anything like that. The example was get yourself detected. Do your test. If you do your tuberculosis test, if you do your hepatitis test, then if you have a problem, it can be cured. And not wait for 15 years like me and not knowing, because I didn't ever have that test done because it was never expected. And it has eaten 75% of my liver. So I'm actually like cirrhosis. I mean, the technical term is cirrhosis of liver. I don't drink, so I shouldn't be having that condition. But that is what hepatitis B does. Similarly with tuberculosis, or whether it is any other medical visit. Yes, there are a lot of moral issues that that upset me, that I get affected by, and I keep doing my bit. I don't know whether this is the right platform to talk about it. I hate, you know, talking about the charities that I do. But, well, now that you've asked, I'm going to say it. I've been always bothered reading about the farmer suicides. And many years ago, I was shooting for a film in Vizag. And I read the paper and farmers that owed 20,000, 30,000, 15,000 rupees to the bank for committing suicide. I felt that that was terrible. I came back, I contacted some people. We got hold of 40, 50 families whose loans were within this range. And I paid that money, and we saved them from committing suicide. I did that again in Vidarbha a couple of years back because there was similar kind of suicide. We were able to save 50 families. I was able to pay back. What has recently also disturbed me are the lives that our soldiers are losing at the frontiers, and just. A few months back, I wanted to do something for jo bhi shaheed ho gaye hai, unke parivaron ke liye. And now, just yesterday, we've been able to identify 44 families. This list I got from the government. And we have prepared 112 drafts to the value of a crore rupees. To take care of 44 families. There is a system in the government that 60% of the amount you pay has to go to the wife, 20% to the father, 20% to the mother. In case either of them are deceased, then the percentage goes up. So like this, we have divided 60, 20, 20 to 44 families, jo ki parivar jinke shaheed ho gaye, unko wo paisa chala jayega. किसानों के लिए फिर मैंने प्रयत्न किया है और about 1.25 crores I'm paying to 200 farmer families. These farmers, I didn't want to go to the government because I just don't feel like talking about it. But we went to my bank, which is the Bank of India, and we got a list of all the farmer loans. And there were 200 farmer loans, and that's what I'm paying off. So these are some of the things that I keep doing other than some of the other campaigns that I'm involved in. Those other campaigns sometimes take a long time to fructify because it depends upon, you know, World Health Organization, okay, what kind of medication, what are you saying? We had a lot of problem with polio. There were certain communities and certain sects of people who are opposing this. They're saying, yeah, aap drug de rahe hain, isse to hum infertile ho jayenge, ye ho jayenge, you know, all kinds of problems. So we have to be very cautious. And in today's times, I mean, even generally, we have to be cautious of what we say because of the communication medium, you know, things get, you know, warped and wrong impressions go. So whenever we're doing something like this, we want to be very sure, and therefore it takes time. But if something personal can be done, then yes, I have done it personally, and that has happened within 3 or 4 days. So it happens quick, it happens immediately, you're in control of everything. You don't have to go to agencies and to authorities to make sure that things are, yes, we did. I must compliment the Chief Minister's office, because they were able to provide me the list, jo ki shaheed hue the unka naam, aur unke parivaron ka naam. And we have all that list, I have it with me.
And now we have got the NOC from the Bank of India with the names of the farmers, so there is no discrepancy ever. A lot of people used to say, wo daan karte hain paisa pata nahi jata hai ki nahi farmer ke paas. But 200 farmers' loans amounting to about 1.25 crores have been done. Amitabh ji, Amitabh ji, idhar is side mein, right mein, aapke right mein. Yeah, hi. Ji, ji. मेरा मैंने देखा कि केबीसी में महिलाएं बहुत आ रही हैं आगे और उनसे काफ़ी आज महिलाओं से सब लोग बहुत इंस्पायर्ड होते हैं क्योंकि वो आगे आ रही हैं चाहे खेल हो या राजनीति किसी भी फील्ड में. आप अपने ज़िंदगी में कौन सी ऐसी एक्ट्रेस से पुरानी जिनसे आप बहुत प्रभावित रहे और कैसे? वहीदा रहमान, मीना जी, मीना कुमारी, नूतन, साउथ में सावित्री, अद्भुत कलाकार, और उनकी फिल्में देखते मैं तो वहीदा जी का फ़ैन हूँ. और ये तो मेरा सौभाग्य, कभी सोचा भी नहीं था, सपने में भी कभी उनके साथ काम करने का अवसर मिलेगा. उनका और दिलीप साहब को तो मैं हमेशा फ़ैन रहा हूँ, तो उनके साथ काम करने का अवसर मिला. मीना जी के साथ काम करने का अवसर नहीं मिला, नूतन जी के साथ मिला था, एक फिल्म सौदागर की थी उनके साथ, और उनसे बहुत प्रभावित. उनके कला क्षमता को मैं बहुत मानता हूँ और आज तक मानता रहूँगा. अमित जी, किरण चेनिया, अमित जी, और हाल ही में अब जी जो नई पीढ़ी है उनमें से आलिया हो, अनुष्का हो, दीपिका, ये सब ऐसे सक्षम कलाकार हैं, उनके साथ काम करते हुए डर लगता है कि खा ही जाएंगे हमको, काम ही नहीं करने देंगे. और जितने नए कलाकार हैं, जितनी नई पीढ़ी है, सब के सब, आप जितने भी नए कलाकार उनको देखिए, दे आर सो ब्रिलियंट, आई कॉन्ट टेल यू. वी टुक ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स एंड वी आर स्टिल ट्राइंग टू यू नो फाइन ट्यून आवर क्राफ्ट, बट दीज पीपल, दे कम फर्स्ट डे ऑन द सेट, दे नो एग्जैक्टली वॉट दे आर डूइंग, दे आर सो कॉन्फिडेंट, दे आर सो मच्योर. आई मीन लुक इट, look at what Ranbir is doing about you know Sushant and Varun and Rajkumar Rao and recently there was this film ye Sweety ki bada ajeeb sa naam hai yaar, Sweety, ha usme Aryan, are so good yaar, so good he was, and what a lovely story, and I get so obsessed with them, I keep writing to them and saying well done and sending them flowers and things, but really we are very fortunate. I am really very fortunate that I am able to live through that period where I was able to see Meena ji and Nutan ji and Vahida ji, and to be able to now get an opportunity to work. I'm getting an opportunity to work with Alia and Ranbir and it's just an unbelievable experience. Sir Kiran Jain here from Dainik Bhaskar. Huh? Hi. Sir, I have a question to Siddharth sir. Yeah. Yes, sir. So the show revolves around the struggling life of a common man. Okay, so there are a lot of other shows also which has the same, which runs on the same concept, and obviously it's working for the on the TRP rating, that audience are loving it. So how do you how do you balance your show when it comes to the same concept? I don't believe we have another knowledge show which through which a human story unfolds quite like this, and this has been particularly successful for a number of reasons. I believe it's the format, I believe it's the way it's mounted and presented, I believe it is the content, it's the contestants. I think it's balancing the two, and as we pointed out that the knowledge aspect today has become very, very important. Somebody just spoke about you have browsers and search engines and everything's available at the click of a finger. At the same time, as Mr. Bachchan was pointing out, it's a two-edged sword, because there's as much misinformation and disinformation and fake news out there than what is correct and what is verifiable. And I think the key now is there's been a knowledge revolution. It is a revolution with few parallels in human history. Even print was not as potent what it is now. It's put that power of knowledge at the fingertips of anybody and everybody. But how do you navigate that? It's a slippery slope. How do you get to the right thing? Wrong information, sloppy information, misinformation, deliberate propaganda, that is everywhere now. How do you get to the right thing is very important, and how do you kindle that interest? So it's curated content in terms of general knowledge, to how to ask the right kind of questions in the way that the viewer too can connect with it, because the play along has been introduced, which is very important. So that engagement,
is one of the few shows, as Danish was pointing out, the whole family watches together. But it's also a program which engages the mind as much as the heart, in the sense you care about that person. And I think the empathy factor, which is so important for the show, which Mr. Bachchan draws out so beautifully, and people relate to him in that way, that has to go hand in hand with a knowledge game. Okay, my another and I think it's a matter of balancing that. So the search for the contestants, it's what the content is, the database has to be vast, it has to be all things to all people, and let me tell you, that's challenging. We did a, it's a cult show in a much tinier viewership called Mastermind, where, you know, people performed brilliantly, but it was easy to set, much easier to set than this one. Because you know what the basic standard is of everybody. Here, somebody could be class six and yet have taught themselves and, you know, learned about a lot of things. Somebody could be a PhD and, you know, sort of in a specialized area, but know about so many things. So we have to have a database which is very big. And the computer has to throw that up and it has to work for various people. So it's a challenge, but I think we've managed to meet that challenge over the years. And it works. Okay, my another question is to Mr. Danish. Is there any particular number of episodes which you guys have just decided to... We're planning for 60 episodes. 60 episodes. Okay. Amit ji, mera sawal aapse hai. Hi Danish, this is Sonam. Sir. Nahi, plan 60 episodes ka hai. हेलो अमित जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपके माय क्वेश्चन इज अर्लियर दिस ईयर कौन बनेगा करोड़पति में वेट कौन बनेगा करोड़पति में हिंदी भाषा एक यूएसपी है और जब बात आपकी आती है तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पर आपकी बहुत अच्छी कमांड है लेकिन ये सभी जानते हैं कि अमिताभ बच्चन इज इक्वल टू हिंदी मतलब आपका तो इसमें कोई जवाब ही नहीं है लेकिन ये मेरा ऑब्जर्वेशन है शायद आप इससे सहमत हो कि आजकल हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हिंदी भाषा का इस्तेमाल थोड़ा कम होता जा रहा है और जो नई जनरेशन है उनको कई बार नहीं समझ में आती अच्छी हिंदी का इस्तेमाल कम होता जा रहा है और क्या इसका प्रसार और प्रचार करना ज़रूरी है और आपके घर में किस तरह की हिंदी बोली जाती है या अंग्रेज़ी में होती है कुछ हद तक आपकी बातें जो हैं वो उससे मैं सहमत हूँ हमारे सामने आजकल जो हिंदी लिख करके आती है वो अंग्रेज़ी में होती है और हम उसको पढ़ नहीं पाते हैं और पढ़ भी पाते हैं तो भी उसको वापस भेज देते हैं क्या पता नहीं क्या लिख के भेजा तुमने उसको हिंदी में लिख के भेजो तो देवनागरी स्क्रिप्ट में जब तक नहीं आती तब तक हम उसको पढ़ते नहीं हैं इस वजह से नहीं कि हम उसका प्रचार कर रहे हैं हम कोई भी चीज़ किसी एक माध्यम से कुछ उनके ऊपर थोपना नहीं चाहते हैं लेकिन अगर ये हिंदी का कार्यक्रम है तो हम हिंदी में ही बात करेंगे और अगर उससे 10-12 लोग जो हैं वो बोल रहे हैं तो उनको मैं धन्यवाद देता हूँ लेकिन हाँ कम्युनिकेशन ऐसा हो गया है टेलीविज़न है रेडियो है सिनेमा है सब जगत व्यापी हो गया है कहीं ना कहीं असर होता है सबके ऊपर और अंग्रेज़ी भाषा जो है वो ज़्यादा प्रबल हो गई है हमारे घर में दोनों चलता है क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो उत्तर भारत से हैं और कुछ दक्षिण भारत से इसका आपको ध्यान रखना चाहिए और हम उनकी भी सराहना करते हैं दक्षिण भारत की भी सराहना करते हैं और उत्तर भारत की साथ ही साथ इधर बंगाल की भी हमको करना पड़ता है तो अगर आप हमारे घर में यदि कभी आएँ तो यूनिवर्सल लैंग्वेज सिस्टम है हमारे यहाँ पंजाबी भी होगी उत्तर प्रदेशी भी होगी बंगाल भी होगा दक्षिण भारत भी होगा गुजराती मराठी भी होगी सब कुछ होगा